अखनूर के परगवाल में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हीरानगर आरएसपुरा की टीम के बीच हुआ, जिसमें हीरानगर की टीम विनर रही। लगातार बॉर्डर एरिया में स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करवाई जा रही है ताकि बच्चे नशे से दूर रहे। इस मौके पर भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य नरेंद्र सिंह भाव मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। नमस्कार, आप जुड़ चुके हो एबी न्यूज के साथ और मैं इस समय मौजूद हूँ परगवाल के द्योरा गांव, जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर मौजूद हैं। और मैं बताता चलूँ, जहाँ कभी पहले लोग इतने सहमे हुए रहते थे, आज जहाँ पर टूर्नामेंट आयोजित हो रहे हैं, तो हमारे साथ इस समय बीजेपी कार्यकारिणी समिति के सदस्य नरेंद्र सिंह बाबू हमारे साथ हैं। तो सर, युवाओं को क्या कहना चाहोगे और जो जो क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्र है जहाँ पर इस तरह के टूर्नामेंट हो रहे हैं, तो क्या कहना है? सबसे पहले तो हमारे पूजनीय स्थान बाबा पीर चिरंगी नाथ जी के नाम पे ये जो आज का टूर्नामेंट का ये जो एक व्यवस्था की गई थी, और मैं सारी जो सभी कमेटी है इनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और बहुत ही बढ़िया, जे 29 को शुरू हुई थी और 30 को, और आज 30 आई फर्स्ट है। आज मैंने देखा कि दो टीमें जो यहाँ पे जिन्होंने आज फाइनल मैच खेला, उसमें एक तो आरएसपुरा नवाशहर की टीम थी और दूसरा कठुआ में हीरानगर की टीम थी। दोनों के बीच में काफ़ी अच्छे स्तर पे मैच का एक अच्छा कंपटीशन रहा और दोनों बेस्ट खेली हैं, अच्छा खेली हैं। और दोनों टीमों में से आज जो फाइनल मैच जीता है वो हीरानगर टीम ने जीता है, और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ हीरानगर टीम को, और उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो रनर टीम है, क्योंकि उन्होंने भी अच्छा प्रयास किया। और हीरानगर को मैं एक बार फिर ये कहना चाहता हूँ कि पहले भी जो यहाँ पे जो टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था जो परगवाल में हुआ था, उसमें भी इसने अच्छा मतलब एक अच्छा एक स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई थी और उसमें भी इसने फाइनल जीता था। ये दूसरा फाइनल है इनके लिए, एक तो क्लैप्स होनी चाहिए सभी को। और साथ में मेरी सभी युवाओं से ये एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारे पड़ोसी जो मुल्क हैं, ये हमारे बीच में नशा तकसरी ये सारा एक व्यवस्था जो है ये चला रहे हैं, मगर हमें जैसे आज आप टीम में खेले हो, एकजुट होके एक परिवार बन के, ऐसे ही राष्ट्र के लिए भी आपने ऐसे ही खड़े रहना है, एकजुट होके खड़े रहना है। मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मैं अपने नरेंद्र साहब से यही बात कर रहा था कि बींग ए बॉर्डर विलेज, यहाँ पर क्या होता है, ये काफ़ी वल्नरेबल एरिया होता है जहाँ पर ड्रग्स वगैरह, और आजकल का आप देख रहे हैं ऐसा समय चल रहा है कि जो यूथ है वो गलत दिशा की तरफ जा रहा है। तो उस समय में अगर आप देखेंगे जो खेल है वो एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को सही तरीके से गाइड कर सकता है। और आजकल आप देख रहे हैं खेल की परिभाषा पहले से बदल चुकी है, आजकल हम लोग ओलंपिक्स में भी मेडल ले रहे हैं, और अगर हम खेल की तरफ युवाओं को बढ़ाएं तो उसमें उनका भविष्य भी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि लोग जो हमारे बच्चे हैं जो यहाँ परगवालवासी भी हैं, वो बच्चों को सपोर्ट करें खेल की तरफ, और वो अपना फ्यूचर भी उसमें देख सकते हैं।